हमारे समुद्र का अनोखा संसार हमें डराने के साथ साथ हैरान भी करता है। हमारी धरती का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से घिरा है। इसका मतलब है कि बचा हुआ केवल 1% ही इंसानों और जानवरों के रहने के लिए उपलब्ध है। लेकिन इस 1% में भी बहुत कम जगह ऐसी है जो हमारे रहने लायक है। लेकिन समुद्र एक ऐसी दुनिया है जहाँ बहुत कुछ खोजा जाना अभी बाकी है। सोचिए समुद्र की गहराइयों में मौजूद उस जगह के बारे में जिसे रोशनी छू तक नहीं सकती, लेकिन अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें समुद्र की उन भयंकर और अनदेखी जीवों का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में हम कल्पना तक नहीं कर सकते। हमारे लिस्ट में सबसे पहले समुद्री जीव है हैचेट फिश। समुद्र की यह मछली अपनी घिनौनी रूप के चलते काफ़ी मशहूर है। स्टोमा फैमिली की यह मछली बहुत ही विचित्र है जिसके बारे में विज्ञान को बहुत कम जानकारी है, क्योंकि इस पर अध्ययन करने के लिए गहरी और अंधेरी पानी में जाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये विचित्र मछली गहरे और अंधेरे पानी में चमकती भी है। बायोलुमिनेसेंस की वजह से निकलने वाली इस रोशनी से ये दूसरी परभक्षियों से भी बची रहती है, जो कि वाकई में अपने आप में एक विचित्र बात है। अगर आप इस अद्भुत मछली को देखना चाहते हैं तो आपको इंडियन या पैसिफिक ओशन में 50 मीटर से भी ज़्यादा गहराई में जाना होगा। लिस्ट में अगला नंबर एक बेहद अजीब सी दिखने वाली मछली का है। ब्लब फिश कहे जाने वाली ये अनोखी मछली अपने घिनौने स्वरूप के लिए जानी जाती है, जिसे सन 2013 में मॉन्स्टर ऑफ द ईयर की टाइटल भी दिया गया था। लेकिन पानी से बाहर अजीब सी दिखने वाली ये मछली पानी के अंदर बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है, जिसकी वजह है पानी की गहराई में पड़ने वाले दबाव। वैज्ञानिक कहते हैं कि गहरे पानी में पड़ने वाले दबाव के चलते ब्लब फिश की खाल और मांस एक जगह बंधे रहते हैं और ये एकदम सामान्य मछली की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन पानी से बाहर आते ही इसके खाल और मांस की ढीले पड़ जाने की वजह से यह बेहद अजीब लगने लगती है। लेकिन ब्लब फिश की ये खूबी ही उसे दूसरी समुद्री जीवों से अलग नहीं करती, बल्कि ये एक ऐसी मछली है जिसमें हड्डियाँ, कांटे और दांत ना के बराबर होते हैं। साथ ही इस मछली में तेजी से तैरने तक की क्षमता नहीं होती। दांतों के ना होने और कम ताकतवर होने के बावजूद भी ब्लब फिश बड़े आराम से अपनी खाना ढूंढ लेती है। ये मछली अपना मुंह खोलकर पानी में तैरती रहती है और समुद्र के छोटे जीव और दूसरी खाने लायक चीज़ें इसके मुंह में जाती रहती है। चलिए अब और गहराई में चलते हैं। एक खतरनाक समुद्री कीड़ा जिसे बॉबिट कहते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले कीड़ों में सबसे खतरनाक माना जाता है। ये एक ऐसा हिंसक कीड़ा है जिसकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती है। लेकिन समुद्री गड्ढों में छिपने की कला इसे और भी घातक साबित करती है। ये बड़े आराम से अपने पूरे शरीर को गड्ढे में छिपाकर घात लगाकर बैठ जाता है। केवल मुंह वाला हिस्सा गड्ढे से बाहर होने की वजह से आसपास से गुजरने वाले जीव इसे देख नहीं पाते और इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस खूबी के होने के बाद भी बॉबिट ज़्यादा शिकार नहीं करता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये समुद्री कीड़ा 1 साल तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। इस समुद्री कीड़े की छिपने की कला वाकई में काबिले तारीफ है। अपने आसपास की माहौल के साथ छलावरण करके ये लगभग गायब भी हो जाता है। इसी कड़ी में आगे शामिल है एक और समुद्री जीव जिसके पास नर और मादा दोनों बनने की क्षमता होती है। ग्लूकोस अटलांटिकस नामक यह समुद्री घोंगा अपनी खूबसूरत रंगत और अपनी विचित्र नर और मादा वाले गुणों के लिए खोजकर्ताओं के बीच मशहूर है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब दो समुद्री घोंगे मिलन करते हैं तो वो दोनों ही अंडे देते हैं और दिए गए अंडे इनके किए गए शिकार के बचे हुए अवशेष में रख दिए जाते हैं। इसलिए न केवल ये समुद्री घोंगे शिकार करके अपना पेट भरते हैं, बल्कि उन पर ये अपने अंडे भी देते हैं, जो वाकई एक अजीब बात है।
2 लाख से भी ज्यादा समुद्री जीव इस विशाल समुद्र में रहते हैं, जिनमें से बहुत अभी खोजे जाने बाकी है। लेकिन इस महान समुद्र की गहराई इंसानों को चुनौती देती है, जैसे हमसे कह रही हो, आओ मेरा सामना करो। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइए ताकि आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सके। फिर से मिलेंगे एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।